अरे क्या बातें कर रहे हो, अभी तुम्हारी पढ़ाई नहीं मुकम्मल हुई, तुम्हें अभी कहीं जॉब नहीं मिली, पर ये मोहब्बत सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छी सी जॉब कर। ये मोहब्बत के चक्कर में कहाँ से पड़ गए तुम? तुम सीधे साधे भोले भाले से लड़की, और आजकल की लड़कियां तो अम्मी सनम बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप मिलेगी ना आपका दिल खुश हो जाएगा, बस प्रॉमिस करें आप उनसे। मुझे देखें, प्रॉमिस करें मिलेंगे ना। अरे अब्बा नहीं, अब्बा को नहीं बता। हाँ हाँ हंसे हंसे। थैंक यू मामा। ये सभी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा आजकल? तो होने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अम्मी का जाता है। अब यार क्या मसला है, बोर मत करो, अम्मी को कब गुस्सा नहीं आता मुझ पे? तुम्हें समझ ही नहीं आती, पूरा खानदान जानता है कि हमारे और पप्पो के बीच में नाराजगी चल रही है, और तुम हो के सभी के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही हो। अभी तुम्हारा मसला क्या है, खानदान, सभी या मैं? तुम और तुम्हारी हरकतें यार। अच्छा यार अभी तुम टेंशन ना लो ना, अब देखो मैं अब सभी के साथ कोई रोमांस थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बातें शातें कर रही हूँ हल्की फुल्की सी, और क्या। आवाज आई, आप अभी वो अब्बा की आवाज आई है, जाए देखें देखें, जाओ जाओ देखो कुछ कुछ बोलना चाहे। हेलो, लगता है आप तो भूल ही गई हमें। भूल गई होती तो फोन कैसे उठाती? कॉल ली है, की थोड़ी है। कैसे करती, बैलेंस ही नहीं है ना, और घर पे कोई है भी नहीं लोड करवाने वाला। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बता देती मैं आपको 1000 के लोड कर देता। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। आप फोन रखे, मेरे साहब को भी फोन जाएगा। ओके ठीक है। स्टूपिड मजनू कहीं का, इसको तो मैं ऐसा जुनून उतारूंगी ना इसका आशिकी का। हेलो, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज फाइनली हमारी मंगनी हो गई, और फिर कुछ दिन के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। मुझे भी आपको अपना हमसफर बनाकर बहुत खुशी हो रही है। आप हंस क्यों रहे हैं? होता है ना कभी कभी कि इंसान इतना खुश होता है कि बात बे बात हंसने लगता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप खुश हैं, मगर रजी आपकी अम्मी ने मुझे बहुत नाराज किया आज। क्यों, क्या कहे मामा ने? छोटी सी बात पर बहस करने लगी।